नेक्स्ट टिप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉलो थ्रू ऑन सेल प्रमिसेज बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिटेल के परस्पेक्टिव में आप कभी भी एज ए रिटेलर अपने स्टाफ के प्रामिस को यूनिट्यू बाउच कि कोई ऐसा प्रोमिस वो अपने कस्टमर से ना करें जो कि फुलफिल ना हो सके जिस तरीके से हमने एक और टिप इससे पहले डिस्कस की जब हमने प्रोमिस लेस और डिलीवर मोर की बात की तो एक्चुअली वो बहुत कनेक्टिड है इस पॉइंट के साथ भी डू नाट मेक एनी प्रमिस विद अ कस्टमर जो कि आप फुलफ़िल ना कर सकें यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बाज़ात ऐसा होता है कि, कि कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सुबह चार बजे इस फ्रेश प्रोडक्ट को मुझे डिलीवर कर देंगे जबकि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट आपके रिटेल स्टोर के अंदर सुबह छः बजे आती है तो यू इट इस इम्पॉसिबल कि आप कस्टमर को वो चार बजे डिलीवर कर सकें सुबह स्टिल अगर आप कस्टमर से ये प्रॉमिस कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर उस सेल्स पर्सन को तो बुरा कहेगा ही लेकिन एक्चुअली उस रिटेलर की जो साख है जो गुडविल है जो नाम है जो रेपुटेशन है वो सफ़र होगी सो so नॉर्मली आपको इस बात को हमेशा जहन में रखना है कि जब भी एक सेल्स पर्सन जब भी एक एसोसिएट जब भी एक स्टोर का स्टाफ किसी कस्टमर से कोई प्रॉमिस करता है तो so एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ़ के ऊपर प्रॉमिस कर रहा होता है सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो तमाम प्रोमिसज जो आपका सेल पर्सन या आपका ऑपरेशन का लड़का आपका एसोसिएट आपका सुपरवाइजर किसी कस्टमर से करता है सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो सारे प्रोमिस जो हैं वो फुलफिल हो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि नथिंग लूज कस्टमर फास्टर देन ब्रोकन प्रोमिसज कस्टमर जब भी बार बार ये ऑब्जर्व करता है कि उसके प्रामिस को नहीं फुलफ़िल किया जाता बेशक वो टाइम के हवाले से हैं बेशक वो प्रोडक्ट के हवाले से हैं बेशक वो प्राइसेस के हवाले से हैं बेशक वो सर्विसेज के हवाले से हैं किसी भी फैक्टर के हवाले से हैं अगर कस्टमर को ये प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी गई कि उसके प्रॉ उसकी उसके प्रामिसज मीट नहीं किए गए इसका मतलब यह कि यू विल लूज़ एक्चुअली दिस कस्टमर ये वो पॉइंट है जो कस्टमर को डिलाइट करने के बिल्कुल ऑपोजिट है कि जहाँ पर यू आर क्रिएटिंग एक्चुअली ब्रोकन कस्टमर्स और वो जाएगा वर्ड ऑफ़ माउथ बुरा फैलाएगा और बुरे वर्ड ऑफ माउथ से ये होगा कि ग्रेजुअली यू विल लूज़ अदर कस्टमर्स ऑल्सो बिकॉज दे कैन थिंक कि आपको उनकी वजह से रिटेलर की वजह से एक नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि अगर आपके बिहाफ के ऊपर एक कस्टमर ने अपने किसी कस्टमर से प्रॉमिस कर लिया है और वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो एक्चुअली पूरी चेन डिस्टर्ब होगी जो कि एक एक अच्छे रिटेलर की साख को गुडविल को ख़राब करने के लिए काफ़ी है सो एज ए रिटेलर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने प्रोमिस को फुलफिल करना है एंड यू नीड टू इंश्योर के आपका स्टाफ जो भी प्रॉमिस कर रहा है आपके कस्टमर के साथ आप टू तो को फुलफिल करना है नेक्स्ट टिप की तरफ मैं आता हूं जो कि डूइंग इट राइट कॉस्ट लेस देन डूइंग इट ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चीजें जो पहली दफा में की जाती हैं सो शायद उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है लेकिन जब उनको दोबारा किया जाता है उसके ऊपर एनर्जी कॉस्ट टाइम सब चीज़ें दोबारा लगाई जाती हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से की जाती हैं या बहुत बेहतर तरीके से हो जाती हैं सो वाई देर इज़ ऑलवेज अ सिचुएशन कि जब आपको यू हैव टू डू इट रिपीटडली और यू हैव टू डू इट ओवर वो तब अच्छे तरीके से होती हैं सो so रिटेलर को बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो तमाम चीज़ों को बड़े प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चले कि रादर दैन डूइंग द थिंग्स रिपीटडली ओवर एंड अगेन वो चीज़ें ना हो अगर ऐसा करेगा उसकी कॉस्ट हाई हो जाएंगी और जब कॉस्ट हाई होंगी तो अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र होगी सो so, रिटेलर की नॉर्मली प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही ही नीड टू इन्श्योर तमाम पेन पॉइंट्स को तमाम मेन पॉइंट्स को कि वो इफ़ेक्ट ना हो ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो सो हाउ एंड वट ही कैन डू

क्योंकि रिटेल जॉब सनेरियोज थोड़ा सा टफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर है यू हैव टू बी ऑन टोज एक्चुअली एवरी टाइम बिकॉज एवरी टाइम यू आर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर अगर आप सुबह नौ बजे ड्यूटी के ऊपर आए हैं सो यू हैव टू बी फ्रेश टिल द टाइम यू लीव दर ड्यूटी ऑन जॉब तो ये सारे इस 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 वर्किंग ड्यूरेशन इट्स एट आवर्स टेन आवर्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन के अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और यू हैव टू बी वेरी फर्म जिस तरीके से आप आए थे जिस तरीके से आप नॉलेजेबल थे जिस तरीके से आप फ्रेश थे जिस तरीके से आप मोटिवेटेड थे एनर्जेटिक थे पैशनेट थे जब आप जाएं तब भी आप उतने ही पैशनेट हो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ऑब्जर्व किया है बिकॉज ऑफ वर्किंग एन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ़ दी यू नो टफ स्केजुअल्स सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स सेम टाइम ऐसा होता है कि दे एक्चुअली से सम वर्ड्स जिससे एक एम्प्लॉई डीमोटिवेट होता है जब एक एम्प्लॉई फ्लोर के ऊपर डीमोटिवेट होता है तो एक्चुअली वो एक ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करता है जिससे आपका कस्टमर जो है वो अनहैप्पी होता है और अगर कस्टमर अनहैप्पी होगा रिजल्टेंटली यू विल लूज़ योर बिजनेस सो डू नॉट बी अ डीमोटिवेटर रादर देन आप जो एफर्ट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज के ऊपर यू नीड टू इंश्योर कि आपके लोग जिनको आप एक्चुअली मोटिवेट कर रहे हैं वो आपके किसी एक्शन से डीमोटिवेट तो नहीं हो रहे क्योंकि अगर वो आपके किसी एक्शन से डीमोटिवेट हो रहे हैं तो रिजल्टेंटली आपकी तमाम एफ़र्ट्स जो आप कर रहे हैं वो सारी एफर्ट्स कहीं ना कहीं ज़ाया जा रही हैं और पीपल मैनेजमेंट के अंदर स्पेशली रिटेल स्टोर परस्पेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन जनरल सैनैरियो में किसी का भी अगर डिग्निटी हर्ट होती है किसी का भी अगर आपका रिस्पेक्ट लेवल हर्ट होता है तो नॉर्मली उस केस के अंदर होता ही है कि कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे इफेक्ट होता है और कस्टमर के इफेक्ट होने से बिज़नेस रेवेन्यूज़ बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटीज़ और तमाम कॉम्पोनेट्स इफेक्ट होते हैं